गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैंने कल आपको बता दिया था मोनोसैकेराइड, डाईसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मैंने बताया था कि अगर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर होंगी तो वो मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, पॉलीसैकेराइड। और अगर सारी की सारी यूनिट्स एक जैसी ही होंगी तो बनाएंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताए थे, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्सट्रीन। इनमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज 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 की ही यूनिट्स हैं जो रिपीट होती रहती है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है, जो हम बताएंगे अभी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे इनमें बनेगा। और फिर हेट्रोपॉलीसैकेराइड था कि जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होंगी, 10 से ज़्यादा, लेकिन उनमें अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट्स होंगी। जैसे ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज जुड़ गया, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जुड़ गया, अलग अलग अगर मिलकर मिक्सचर बनाएगा मोनोसैकेराइड्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, जो मैं कल ही आपको बता चुका था। इसके एग्जाम्पल म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, हाई हाइलुरोनिक एसिड, हेपेरिन, ये सारे एग्जाम्पल हम कल बात कर चुके थे। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट किसी डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ते हैं तो डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बाई वेरियस केमिकल रिएक्शंस से बनते हैं वो। कार्बोहाइड्रेट जब किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। क्या, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए क्या क्या डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज ऑन इट्स ऑक्सीडेशन तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकैरिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। इज इट क्लियर? तो ये सारे क्या हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से डेराइव्ड होंगे, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब ऐसे ही रिडक्शन से भी बनेंगे। रिडक्शन अगर हम करेंगे तो ग्लिसरॉल एंड रिविटॉल, डेराइव्ड फ्रॉम द ग्लिसरेल्डिहाइड एंड राइबोज। अगर हम ग्लिसरेल्डिहाइड का रिडक्शन कर देंगे तो बन जाएगा ग्लिसरॉल, और अगर राइबोज का कर देंगे तो रिविटॉल बन जाएगा। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट के ही रूप हैं, लेकिन ये चेंज हो गए हैं केमिकल रिएक्शन से, इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अमीनो शुगर्स हैं, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट पे अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा, अमीन ग्रुप, दीज हैव NH2 ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, इंक्लूड ग्लूकासामीन और गैलेक्टोसेमाइन, मैनोसेमाइन डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज। ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे अगर हम ग्लूकोज को अमीनो ग्रुप से रिएक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर कार्बन पे ये अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा और वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोसेमाइन में। इज इट क्लियर? तो अमीन ग्रुप जुड़ने से ये शुगर क्या बन गई, अमीनो शुगर बन गई। ऐसे ही गैलेक्टोसेमाइन, गैलेक्टोज के साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो गैलेक्टोसेमाइन बन जाएगा। ऐसे ही मैनोज के साथ जुड़ेगा तो मैनोसेमाइन बन जाएगा। ये सब डेराइव्ड होंगे किससे, कार्बोहाइड्रेट के केमिकल रिएक्शन से। अब डीऑक्सी शुगर देखिए, बहुत ही कॉमन है और आप सब जानते हैं DNA के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी होती है, डीऑक्सी। देखिए नाम समझिए, डीऑक्सी यानी कि उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और कौन से कार्बन से निकलेगा, दूसरे नंबर के कार्बन से निकल जाएगा, तो उसका भी रिडक्शन हो गया ऑक्सीजन निकलने से, तो क्या बन जाएगा, दे हैव लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देन पेरेंट शुगर, एग्जाम्पल 2-deoxyribose प्रेजेंट इन DNA। यानी कि DNA में जो शुगर है deoxyribose, उसके दूसरे नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और वो बन गया है deoxyribose, 1 oxygen atom लेस एज कम्पेयर टू राइबोज। RNA में क्या होती है, राइबोज शुगर होती है, उसमें तो सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप होता है, जबकि सेकेंड नंबर से वो उस OH में से O निकल जाएगा तो H बच जाएगा और उसको हम बोल देंगे deoxyribose, जो DNA के अंदर मौजूद होगा। तो
तो ये थे हमारे डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट, ये जिनके चार एग्जांपल हमने आपको दिए। ऑक्सीडो रिडक्शन से बनने वाले ये सारे होंगे, रिडक्शन से ये वाले होंगे, अमीनो ग्रुप जुड़ेगा तो ये बनेगा, और डीऑक्सी हो जाएगा तो ये शुगर बन जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं उन सब की हम स्ट्रक्चर के बारे में अब बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो केवल एक ही यूनिट से बने होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और मैनोज है। अब इनके क्या स्ट्रक्चर है, पहले मैं बात करता हूँ आइसोमर। आप सब जानते हैं आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। यानी कि ऐसे कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर होगी जो अलग होगी। जैसे आप ध्यान दें, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। गैलेक्टोज का भी क्या है, C6H12O6। फ्रुक्टोज का भी सेम ही है और मैनोज का भी सेम है। सभी का केमिकल फार्मूला होगा C6H12O6। और ये हेक्सोज शुगर है क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, 6 है। लेकिन जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो स्ट्रक्चर सबकी एकदम अलग होगी। तो आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनकी संरचना अलग अलग होती है और केमिकल फार्मूला सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। अब आप पहले चलो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ देखें, ये आप नीचे पहले देखेंगे गैलेक्टोज है जिसमें वही C6H12O6 है, ग्लूकोज है उसमें भी वही है, मैनोज में भी वही है, फ्रुक्टोज में भी वही है। यहाँ आप देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो पहले तो हमने इन्हें कैटेगराइज कर रखा है एल्डोज में और कीटोज में। एल्डोज में देखिए आप, यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ भी CHO ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ये सब क्या हैं, एल्डोज हैं। और कीटोन होने की वजह से ये क्या है, कीटो शुगर है। लेकिन सबका फार्मूला C6H12O6 है। अब ये आइसोमर क्यों है, मैंने कहा कि फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखिए आप, इसमें चौथे नंबर के कार्बन पर OH ग्रुप है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, और इसमें चौथे नंबर पे क्या दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है। यहाँ दूसरे नंबर पर OH है जो लेफ्ट साइड में है, और यहाँ तो कीटोन ग्रुप है, डबल ओ, डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हुआ है। तो आइसोमर समझ में आ गए, ये सारे एक दूसरे के आइसोमर हैं क्योंकि इन सब के केमिकल फार्मूले सेम है और स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, आप देख सकते हैं इसको। इज इट क्लियर? अब अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट जो मैं आपको मोनोसैकेराइड के बता रहा हूं, एपीमर क्या होते हैं। एपीमर का मतलब होता है उनके कॉन्फ्यूग्रेशन विन्यास, यानी टू आइसोमर दैट इज डिफर इन कॉन्फ्यूग्रेशन अराउंड वन स्पेसिफिक कार्बन। यहाँ ध्यान देना है आपको कि एक कार्बन पे ही उनका कॉन्फ्यूग्रेशन, अभी आपने देखा कि OH ग्रुप है जो लेफ्ट और राइट साइड में है, अदर देन द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कॉल्ड एपीमर। यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप को छोड़कर किसी और कार्बन पर जो कॉन्फ्यूग्रेशन है OH का, वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे दो आइसोमर जिनमें कॉन्फ्यूग्रेशन अलग हो एक ही कार्बन पे, ध्यान देना है एक ही कार्बन पे, अगर उनका विन्यास अलग अलग हो तो उन्हें हम कहेंगे एपीमर। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो चौथे नंबर के कार्बन पे आप देखेंगे तो OH का ओरिएंटेशन अलग होगा, जबकि ग्लूकोज और मैनोज को आप देखेंगे तो वहाँ पर दूसरे नंबर पर एपीमर आपको दिखाई देगा। अभी हम आपको दिखाते हैं डायग्राम और उसमें आप देखिएगा। ये देखिए, यहाँ देखिएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज,
ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एपिमर हैं। यहाँ चौथा कार्बन आप देखो, इस पर OH है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये राइट साइड में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के एपिमर हो गए या नहीं हो गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये दोनों C4 पर एपिमर शो कर रहे हैं। अब ग्लूकोज और मैनोज को देखो आप, यहाँ OH ग्रुप है जो चौथे कार्बन पर, यहाँ पर OH कहाँ है, या आप इसने तो चौथे पे दिखाया, आप दूसरे पे देख सकते हो, चौथे पे तो सेम है लेकिन दूसरे पे आप देखिए, क्योंकि सेम कार्बन पे ही ये चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ राइट में है OH और यहाँ देखो लेफ्ट में है, और बाकी सब चीज़ें सेम है या नहीं है, तो ये एक दूसरे के एपिमर हुए या नहीं हुए, इज़ इट क्लियर। तो और ये सारे तो क्या हैं, आइसोमर है, ऑल आइसोमर हैं एक दूसरे के चारों, लेकिन ये दो एक दूसरे के एपिमर है और ये एक दूसरे के एपिमर है। फ्रुक्टोज में तो कीटोन ग्रुप आ गया है तो वो एकदम अलग ही हो गया है। तो आपको आइसोमर और एपिमर दोनों समझ में आ गए हैं। आइसोमर क्या होगा कि उनका केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, तो उन्हें हम आइसोमर कह देंगे। तो ये चारों आप एग्जांपल लिख सकते हो आइसोमर के। एपिमर में क्या होगा, किसी एक ही कार्बन पे उनके फंक्शनल ग्रुप का ओरिएंटेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये दोनों एपिमर है, ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज और ग्लूकोज भी। अब आप देखिए, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा हुआ है आपको एल्डोज, जो तीन कार्बन में आपको दिखाई दे रहा है ये एल्डोज ग्रुप आपको दिख रहा है। एक ये कीटोज है जो आपको कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, C3 यानी कि ट्रायोज शुगर है, उसका स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला है। तो आप लिख सकते हैं CH2 यानी कि CH, एक एच इधर लगा सकते हैं, OH इधर लगा सकते हैं, C पे डबल बॉन्ड हो गया। ये कीटोज है जो चार कार्बन वाला है, ये है ट्रायोज, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एल्डो टेट्रोज है और ये कीटो टेट्रोज है, चार कार्बन आपको दिख रहे हैं। यहाँ पेंटोज है, कीटो पेंटोज हो गया, ये कीटो टेट्रोज है। तो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, इन्हें आप ड्राइंग बना बना करके देखेंगे। तीन कार्बन बनाएं आप, एक पे CHO ग्रुप लगा दें इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एंड कीटोज बन जाएगा, नहीं एल्डोज बन जाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोज हो जाएगा, ऐसे ही टेट्रोज पेंटोज होंगे। इसको हम करेंगे बाद में बात। इनेंशियोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, ये और आपको अभी देखना है थर्ड प्रॉपर्टीज जो मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो कॉन्फ्यूग्रेशन जो मैंने आपसे बताया था अभी कि OH लेफ्ट में है या राइट में है, तो उसके बेसिस पर डी शुगर होंगी और एल शुगर बनेंगी, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी शुगर बनेंगी। फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना पड़ेगा कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कि जो लाइट को किस डायरेक्शन में घुमाता है, पोलराइजेशन करता है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और डी से डिनोट करेंगे, लिवो रोटेटरी होगा तो एल से करेंगे और नेगेटिव से हम डिनोट करेंगे। कॉन्फिग्रेशन से केवल यानी कि राइट में होगा तो डी से और लेफ्ट में होगा तो एल से हम करेंगे। लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंसेस आप देखेंगे। सब्सटेंस मूविंग द प्लेन पोलराइज लाइट, एक लाइट है जो बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पोलराइज लाइट है, जो प्लेन लाइट है उसको अगर वो लेफ्ट साइड में घुमा रहा है, यहाँ देखिए, यानी कि प्लेन लाइट को लेफ्ट साइड में अगर रोटेट होगा तो लेवर रोटेटरी या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर जो शुगर प्लेन लाइट को राइट साइड में घुमा देगी वो होगा डेक्स्ट्रा रोटेटरी या क्लॉकवाइज कहलाएगा। देखिए तो लेवर रोटेटरी सब्सटेंस मूविंग द प्लेन पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट और राइट आर कॉल्ड लिवो, लेफ्ट में घुमाएगा तो लेवर रोटेटरी और राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और जिन्हें हम एल नेगेटिव या डी पॉजिटिव कह सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर इज इट प्रेजेंट ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, और ये केवल कब होगा, जब एसिमेट्रिकल कार्बन होगा, यानी कि OH और H में डिफरेंस वो दिखाएंगे। तो एज डायहाइड्रोक्सी एसीटोन हैज़ नो, इसके अंदर कोई एसिमेट्रिकल
कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ओ एच ग्रुप ना होकर के डबल बॉन्ड के साथ ओ जुड़ा हुआ है। ये एच इसमें गलत आ गया है, ये एच यहाँ नहीं होगा क्योंकि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, एक ये रहा और दो ओ के साथ होता है, ये आप हाइड कर देंगे, ठीक है, ये नहीं है। सो इट इज़ इट हैज़ नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो इसके अंदर तो एसिमेट्रिकल कार्बन है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। डायहाइड्रोक्सी एसीटोन एनेंशियोमर हैव सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट रोटेट पोलराइज प्लेन लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में आपको दिखाई दे रही है और वो लाइट को राइट और लेफ्ट में रोटेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया। हमें ये ज़्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्टिकल एक्टिविटी को दिखाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। इसमें आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में रोटेट किया जा रहा है और ये राइट साइड में रोटेट किया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो हमने पढ़ा आइसोमर, एपीमर और डी शुगर, एल शुगर, डेक्स्टर रोटेटरी और लेवर रोटेटरी प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड में। अब इनेंशियोमर्स की ही मैं बात करता हूँ। ए पेयर ऑफ स्ट्रक्चर दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब मैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को मैं देखूँगा, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। आप यहाँ देखें, यहाँ पाँचवें नंबर के कार्बन पर ओ एच यहाँ है, ठीक है, डी ग्लूकोज है यानी राइट साइड में होने की वजह से, और लेफ्ट साइड में होने की वजह से ये एल ग्लूकोज है। आप देख सकते हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को मिरर इमेज है। आप मिरर में देखेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट आपको दिखाई देते हैं, यानी कि ओ एच ओ एच इधर दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है। तो इनेंशियोमर्स क्या कहलाते हैं? जो एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। ग्लूकोज एज डी एंड एल ग्लूकोज आइसोमर, द नेम डी एंड एल डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ ओ एच ग्रुप ऑन लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम टू विच फोर डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप आर अटैच ऑफ मोनोसैकेराइड। ये चारों ओ एच को आप देख सकते हैं कि अलग डायरेक्शन में, ये डी साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में, राइट में होगा तो डी और इसमें होगा तो एल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल कराएंगे आपको। ओके, थैंक यू।